So actually, first of all, thank you very much for your existence. Because I think maybe, sir, आपको खुद को ही नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो. मतलब you. ये मुझे बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आज मैं पता करना चाहता हूँ. मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसा क्या हो रहा है? Actually, sir, you are the mind hacker, sir. मतलब आपका mind hack करके. क्या word use किया? Wow. You are the mind hacker. Yeah. Yes. Let's get a big hand for it. जो टॉपिक होना चाहिए आज के सेशन का, जो हमको मिल करके फाइनलाइज करना है, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जो हम सबकी प्रॉब्लम हो, जिसका एज ग्रुप से कोई कनेक्शन ना हो, जिसका जेंडर से कोई कनेक्शन ना हो, जिसका टाइम से कोई कनेक्शन ना हो. मतलब ये नहीं कि आज के टाइम में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कह लो हजारों साल पहले भी वो प्रॉब्लम थी, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहने वाली है. उसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो एक एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर आप बताना टॉपिक. दैट एग्जाम्पल कुड बी अ सेंस ऑफ लोनलीनेस. ये किसी एक की प्रॉब्लम है या डीप विद इन सबकी प्रॉब्लम है? कि ऊपर ऊपर से हम सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम अकेले हैं, कोई खालीपन है. देयर इज अ वॉइड विद इन. हाँ, उनको माइक दे दो. सर, मैं चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक हो वो हो सर ड्यूअल पर्सनैलिटी. सर, क्योंकि हम सभी है ना, एक रियल पर्सनैलिटी होती है और एक फेक पर्सनैलिटी होती है. क्या हम अंदर से होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं? डुअल पर्सनैलिटी. कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? अरे, खुद भी वोट डाल दिया. अरे, वो उधर उनको देना. सर, मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस टाइम तक हमें वो चीज छोड़ देनी चाहिए, और जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि हम उसे छोड़ ही नहीं पाते, चाहे वो हमें हार्म क्यों ना कर रही हो. तो आप इस बारे में थोड़ा बताएं, चाहे पूरा सेशन ना हो, बट थोड़ा सा इस बारे में बता दें. नहीं नहीं, ऐसे इतना अंडर एस्टिमेट मत करो इस टॉपिक को. अच्छा टॉपिक है, कि हो सकता है पूरा ही हो जाए. मतलब व्हाट योर टॉपिक इज, के वो चीज़ भी हो सकती है, वो लोग भी हो सकते हैं, राइट? या वी गेट एडिक्टेड टू समथिंग और समवन, और वी डिपेंड अपॉन समथिंग और समवन. अगर वो हमको हार्म भी करता है, फिर भी उसको छोड़ नहीं पाते हैं. कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? ये तो डुअल खेल चल गया यहाँ पर तो. अच्छा. सर, थोड़ा ही बता दीजिए. मैं इन दोनों टॉपिक्स को मिला दूं? Yes, है ना? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस सर. लगे रहो. एक तरफ से हम लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं, और चाह करके भी उनको छोड़ नहीं पाते. उस डिपेंड होने की वजह से हमारी डुअल पर्सनालिटी क्रिएट होने लग जाती है. एक वो जो लोग हमसे चाहते हैं, एक जो हम खुद अंदर से होते हैं. इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट चलने लग जाता है. देख पा रहे हो ये दोनों टॉपिक किस तरीके से लिंक हो रहा है? और ये प्रॉब्लम किसी एक की नहीं है, सबकी है. ये मतलब हो क्या रहा है, हमें झूठ में जीते हैं. झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, माइंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है? क्योंकि उस झूठ को याद भी रखना होता है, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर उन सबको याद रखना होता है. और सोचो अगर हमारी पूरी लाइफ ही ऐसी हो जाए, झूठी लाइफ है, कुछ और अपने आप को कुछ और दिखा रहे हैं, तो हर जगह पर एक प्रेशर नहीं बिल्ड होने लग जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में जेब में पैसा नहीं है, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, गड़बड़ नहीं हो गई? हर तरफ से झूठ 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 नहीं होगा, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा? सच बोलते ही क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है या रिलीज हो जाता है? और मजे की बात क्या है, जो जहां से मैंने सेशन को शुरू किया था, उसमें जो टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आप इन सबको डीपली अगर आप जाकर के कनेक्ट करोगे, तो वो वहीं पर जाकर के मिलेगा. लोनलीनेस, हम अंदर से खाली हैं, तो अपने आप को हम भरने की कोशिश करते रहते हैं सुबह से रात तक. फॉर एग्जाम्पल, किसी रिलेशनशिप के थ्रू आप कंप्लीट फील कर रहे हो, तो क्या आप उस पर डिपेंड नहीं हो? चाहे फाइनेंशियली डिपेंड हो, चाहे साइकोलॉजिकली डिपेंड हो, चाहे इमोशनली डिपेंड हो, चाहे फिजिकली डिपेंड हो, किसी पे भी, समझ गए? या अपने मोबाइल पे डिपेंड हो. अब तो सबसे बड़ी डिपेंडेबिलिटी तो ये है आज की डेट में, आदमी कहता है सब कुछ चला जाए, ये नहीं जाना चाहिए. उसको 5 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकते हो, तो डिपेंड हो गए ना. क्यों डिपेंड हो जाते हैं किसी पे? अभी आपने बोला फीलिंग है. वॉट इज अ फीलिंग? फीलिंग मिलती है जब कोई आपका हाथ पकड़ता है और आकर के बोलता है, नहीं, मैं मरते दम तक तुमको नहीं छोड़ूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ.
और पीछे से वहां से मुड़कर किसी और को देख रहा होता है. ड्यूअल पर्सनैलिटी, आपको बोल कुछ रहा होता है, सोच कुछ अंदर से और रहा होता है, और आप मान रहे होते हो, जबकि अंदर ही अंदर आपको भी पता है कि झूठा एक नंबर का. मान रहे होते हो क्योंकि वहां पे कंफर्ट मिलता है, फीलिंग मिलती है. व्हाट इज अ फीलिंग? जो करना तो कुछ अच्छा भी होता है कुछ टाइम के लिए. हाँ, कुछ टाइम के लिए. कितनी देर के लिए? सर अराउंड उसी मोमेंट के लिए, जब तक कुछ चल रहा है, जब तक हमें कोई जैसे सोच रहे हैं उस बारे में, जब तक उस बारे में सोच रहे हैं. बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली. देखो, सुना आप लोगों ने क्या बोला है अभी इन्होंने? जब तक उसके बारे में सोच रहे होते हैं तभी तो अच्छा फील होता है. और सिर्फ सोच रहे होते हैं या जब तक उसके बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं? अगर आप सोच ही नहीं रहे उसके बारे में तो कहाँ है फीलिंग? आप किसी के साथ में हो लेकिन आप किसी और के बारे में सोच रहे हो तो वहां पर फीलिंग है या नहीं है? कहाँ है? कोई फीलिंग नहीं है. कोई आपको टच भी कर रहा होगा तो आपको पता तक नहीं है कि कुछ हो रहा है. हाँ, अगर इफ समबडी इज टचिंग यू एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट, दैट टू यू आर थिंकिंग अबाउट इट. बढ़िया सी आ रही है. अरे कहाँ निकल गए? मैं डिसेंट बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ पहुँच गए हो. अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो और अच्छा सोच रहे हो तभी तो अच्छी फीलिंग होगी. वहां पर सोच को बदलने में कितनी देर लगती है? और सोच के बदलते ही क्या हो जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा. सब कुछ बदल जाएगा, वही टच गंदा लगने लग जाएगा. तो सबकी जो जड़ है वो है कि हम अंदर से खाली है, उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं. अकेले होने से डरते हैं. डर नहीं लगता है अकेले होने से? तभी तो ये ड्यूअल पर्सनैलिटी वाला गेम शुरू हो जाता है. क्योंकि अगर मैंने तुझे वो दिखा दिया जो मैं एक्चुअल में हूं तो हो सकता है तू मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी. तो मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो तू देखना चाहता है. एक बार उसने उसको देख लिया तो अब वो ही देखना चाहता है. तो पूरी जिंदगी के लिए आपको वो बन करके जीना पड़ेगा जो उससे बिल्कुल अपोजिट है जो आप एक्चुअल में हो. अब एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है. आप अकेले में कुछ और हो, सबके सामने कुछ और हो, फेसबुक पे कुछ और हो, रियल लाइफ में कुछ और हो. होता नहीं है, झटका नहीं लगता एकदम से देख करके ऐसे लोगों को? फेसबुक पे आपने देखा, अरे तो अरे तो तेरी ये क्या है? नकली. नकली क्यों हो जाते हैं? और जो नकली है वो क्या कभी भी खुश रह सकता है? सोचो, अगर ये खालीपन हमारे अंदर जो है ये खत्म हो जाए, ऐसे बंदे की रिलेशनशिप कैसी होगी? जरूरत ही नहीं है. यू आर सेइंग जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है उसको जरूरत? जरूरत है, पर दोनों की जरूरत में जमीन आसमान का फर्क है. एक बंदा जो अंदर से खाली है यानी अंदर से दुखी है, तो वो जुड़ेगा रिलेशनशिप में अपने दुख को खत्म करने के लिए. और वो दुख इतना गहरा है, खालीपन इतना बड़ा है, बिल्कुल ऐसा है जैसे बॉटमलेस पिट. मतलब उसमें अगर आप गिर रहे हो तो गिरते ही चले जा रहे हो, कितना भी भर दो वो खाली का खाली रहता है. यही पूरी इस दुनिया की हालत है. सिर्फ यहां की नहीं, इस कंट्री की नहीं, हर कंट्री, हर दुनिया. पास्ट में भी यही था, आज भी यही है, और कल भी यही होने वाला है. अलग अलग तरीके से भरने की कोशिश कर रहे हैं. दो तरह की रिलेशनशिप हो गई यहां पे. एक है आप अंदर से खाली हो और अपने आप को भरने के लिए सामने वाले के साथ में जुड़ रहे हो, वो भी खाली है. दोनों खाली हो गए, दोनों अपने आप को भरने की कोशिश कर रहे हैं. तो दोनों एक दूसरे को यूज करेंगे खुद को भरने के लिए. उसको उसकी थोड़ी पड़ी है, बोलेंगे ऊपर ऊपर से. इसको बोलते हैं ड्यूअल पर्सनैलिटी. और दूसरी तरफ से रिलेशनशिप हो सकती है विच इज पोल्स अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जहां पर अंदर से आप पूरी तरह से भरे पड़े हो, एब्सोल्युटली कंप्लीट, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो. अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो क्यों जाओगे? अंदर खुश है तो क्या मतलब बैठे बैठे बस खुश होते रहोगे, हंसते रहोगे? अपनी उस खुशी को शेयर करने के लिए. कोई बंदा है, उसके पास में मान लो खजाना है, ऐसा खजाना है कितना भी बांट लो वो खत्म हो ही नहीं सकता. या जितना बांट रहे हैं उतना ही बढ़ता चला जा रहा है. अब वो बंदा क्या करेगा? कहेगा लुटा दो, और लुटाओ, और लुटाओ, और लुटाओ. एक का हाथ ऐसे है, एक का ऐसे है. ऐसे भी नहीं है, ये भी कहना गलत हो गया, ऐसे नहीं है क्योंकि वो भीख नहीं दे रहा है. एक का ऐसे है, ले लो जो लेना है. यही तो फर्क है जी. तो दिमाग लगाना है तो ये मत लगाओ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं. वो बाद का स्टेप है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना. आपके क्वेश्चन सारे सुपरफिशियल लेवल के. सवाल ये होना चाहिए कि जो मैं करना चाहता हूं उससे हजार गुना ज्यादा लोगों ने कर भी लिया, फिर भी नकली है, फिर भी रो रहे हैं, फिर भी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, तो मैं भी खच्चरों की तरह उस रेस में क्यों भाग रहा हूं?
जिसका एंड मुझे साफ नजर आ रहा है, तो क्यों ना अभी ये बैठ करके अपने आप से सवाल पूछूं इसी टाइम पे कि इस खालीपन को मैं कैसे भरूं। खालीपन का मतलब क्या? आइसोलेशन। खालीपन का मतलब क्या? कि मैं इस सबसे अलग हूं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि डे टू डे लाइफ में, मेरी लाइफ के हर सिंगल मोमेंट में मैं एक्सपीरियंस करूं उस कनेक्शन को जो मेरा है इस पूरे यूनिवर्स के साथ। अब आप जिसके भी साथ में रिलेशनशिप में होगे, चाहे वो आपका हस्बैंड है, वाइफ है, उसके साथ कुछ भी जानबूझ करके गलत नहीं करोगे। हम गलत क्यों करते हैं? जब हमारा कोई लालच होता है, कोई चोर चोरी भी करता है तो क्यों करता है? क्योंकि वो भूखा है, तभी तो चोरी कर रहा है। कोई फिजिकली भूखा है, कोई साइकोलॉजिकली भूखा है, अलग अलग तरह की भूख है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब सारी भूख मिट गई, नॉट फिजिकली, क्योंकि खाना तो चाहिए ही ना भाई, हाँ, इसीलिए मैंने दोनों को अलग कर दिया, फिजिकल लेवल एंड साइकोलॉजिकल लेवल, दोनों का अलग अलग सोल्यूशन है। फिजिकली आपको अपनी भूख को मिटाना है, हर तरह की जो भूख है वो कैसे मिटेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा, उससे फिजिकल भूख मिट जाएगी। क्या फिजिकल भूख मिटने से, यानी पेट भर जाने से, साइकोलॉजिकल भूख मिट जाती है? समझ गए मैंने क्या बोला है? या ऊपर से जा रहा है? तो ये झूठ है कि आप कुछ नहीं हो, ये झूठ है कि आप इस यूनिवर्स से अलग हो, ये झूठ है कि आप एक लिमिटेड एंटिटी हो, ये सब झूठ है। सच क्या है? कि सब कुछ जुड़ा पड़ा है। सच क्या है? कि आप इस यूनिवर्स से अलग नहीं हो। झूठ क्या है? कि मैं ये हूं, अब मुझे ये बनना है। समझ गए? झूठ क्या है? इसी झूठ में आप जी रहे हो, पूरी दुनिया जी रही। झूठ क्या है? अभी आप यहां पर हो, अब आपको यहां पर पहुंचना है, अगर आप यहां पर पहुंच गए ये करके, तब तो आप कुछ बन गए, नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो। और यहां पर पहुंचने के बाद में समझ आता है ये भी कुछ नहीं है, अभी तो यहां पे दुनिया भरी पड़ी है, मैं तो अभी भी कुछ नहीं हूं। फिर यहां पहुंचते तो लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पता नहीं क्या क्या है। तो भिखमंगों की तरह जीते हैं, भिखमंगों की तरह ही मरते हैं। ये सोच की प्रॉब्लम है, इस झूठ की प्रॉब्लम है। झूठ हमको फंसा देता है। अब सच क्या है? और सच को कैसे देखते हैं? सच को देखते हैं एज इट इज, बिना किसी मेमोरी के, बिना जो भी दुनिया ने आपके अंदर भरा हुआ है, बिना उसके जब आप देखते हो तो आपको दिखने लग जाता है कि सच क्या है। देयर इज एन अंडरलाइंग वननेस इन ऑल ऑफ दिस। और वो जो थ्रेड है जो सबको जोड़ रहा है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, वो जो थ्रेड है जो इस सबको जोड़ रहा है, जैसे ये शर्ट है, एक थ्रेड से ही जुड़ी हुई है ना पूरी की पूरी, उस थ्रेड को इसमें से निकाल दो तो शर्ट कहां है? सो दैट थ्रेड इज मी। इस बात को समझ पाए मैंने क्या बोला है? कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। इफ यू सी दिस एज अ फैक्ट, एज अ लिविंग रियालिटी, नॉट एज अ थॉट, नहीं तो ये भी एक थॉट बन जाएगा। अभी थॉट क्या है? कि मैं इनकम्प्लीट हूं, अब एक नया थॉट आ गया कि मैं कंप्लीट हूं, घोंचू से डबल घोंचू। Not as a thought, as a living experience, as a living reality in your day-to-day life. If you see it as a fact, अब आप time और space के beyond हो, आप thought के beyond हो, आप emotions, feelings, सब के beyond हो, ये सब आप में है। लाश नहीं बन गए हो, बल्कि you are full of life, you are life. You're not a tiny little part in life. Who is struggling to becoming better and better as per the norm set by the society. No more. Now you are life, not a part of life. Life. जो लोग मेरे को अभी वीडियो में देख रहे हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले सेशंस में कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स टच हो जो आज से पहले मैंने डीपली कवर नहीं किए हैं, तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और जिन कमेंट्स के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स आएंगे वही मेरे आने वाले सेशंस के टॉपिक्स होंगे। और टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए रेलेवेंट हो, बिल्कुल ऐसा जैसे कि आज का ये टॉपिक था या नहीं था? था या नहीं था? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।